राजसमंद के कालिंदी विहार में निजी जमीन पर बनी सड़क पर सवाल पार्षद और नगर परिषद आमने सामने। राजसमंद शहर के वार्ड 14 में पार्षद करुणा कुमावत की पहल पर बनी 200 फीट लंबी सड़क अब विवादों में आ गई है। पार्षद ने नगर परिषद के भाजपा बोर्ड की स्वीकृति पर सड़क निर्माण करना बताया है, जबकि नगर परिषद के अधिकारी बोल रहे हैं कि न तो नगर परिषद द्वारा कोई टेंडर जारी किया गया है और न ही ये कार्य नगर परिषद द्वारा करवाया जा रहा है। पार्षद करुणा कुमावत व उनके पति मोहनलाल कुमावत की पहल पर कालिंदी विहार से स्टेशन रोड को जोड़ने के लिए कृषि भूमि पर 200 फीट लंबी सड़क का निर्माण करवाया गया। इसके लिए संवेदक द्वारा इसका निर्माण किया गया है। खातेदारी भूमि में सड़क बनाने को लेकर सोशल मीडिया पर इसकी पोस्ट वायरल होने के बाद सवाल खड़े हो गए। इधर नगर परिषद राजसमंद के सभापति अशोक तांक और आयुक्त जनार्दन शर्मा का कहना है कि कालिंदी विहार में सड़क निर्माण का कोई टेंडर ही नहीं है और न ही कोई कार्यादेश जारी किए गए हैं। अगर कोई सड़क बनी है तो वह निजी भी हो सकती है। इधर पार्षद करुणा का कहना है कि नगर परिषद के पिछले भाजपा बोर्ड में ये सड़क स्वीकृत है और उसी के तहत जनहित में संवेदक से सड़क का निर्माण करवाया गया है। अब अगर नगर परिषद द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तो जनहित के लिए खुद निजी स्तर पर पार्षद भुगतान करने को तैयार हैं। पार्षद का कहना है कि खातेदारी लोगों ने जमीन अपनी सड़क निर्माण के लिए नगर परिषद को समर्पित कर दी। हालांकि राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में यह जमीन अब भी नहर के समय में दर्ज है और आराजी नंबर 753 में 13 खातेदार हैं, जिसमें एक भी खातेदार द्वारा नगर परिषद में नियमानुसार जमीन का कोई समर्पण नहीं किया गया और न ही जमीन कन्वर्जन की प्रक्रिया शुरू हो पाई है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये सड़क का निर्माण करवाया किसने, और अगर नगर परिषद द्वारा ये निर्माण नहीं करवाया गया है तो क्या पार्षद ने निजी स्तर पर करवाया है। दूसरी तरफ पार्षद का कहना है कि यह जो निर्माण है नगर परिषद के ही संवेदक द्वारा किया गया है। कालिंदी विहार से स्टेशन रोड को जोड़ने वाले मार्ग पर बनी सड़क को लेकर अब जानते हैं नगर परिषद के आयुक्त जनार्दन शर्मा और पार्षद करुणा कुमावत से कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। ना तो नगर परिषद ने कोई कार्यादेश दिया है, ना किसी नगर परिषद के तकनीक अधिकारी ने कोई निर्माण काम कराया। अगर किसी खातेदार ने कम से कम कराया तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन नगर परिषद के कोई काम से कोई निराधार नहीं है, इसका किसी प्रकार का कोई बदमोटक नहीं है। पार्षद का कहना है नगर परिषद द्वारा ही करवाया जा रहा है। अगर नगर परिषद द्वारा कोई काम कराया जाता तो नगर परिषद को कोई तकनीकी अधिकारी भी होता, कोई इसको लेआउट भी दिया जाता, उसके पास कोई कार्यादेश भी होता। अगर कोई दिया है तो बता दो। पिछले जो टेंडर पास हुए हैं उनके अंतर्गत वार्ड में कार्य करवाए जा रहे हैं और इसी के अंतर्गत हमने इस एरिया में भी एक रोड जो है बनवाई है। देखिए, जनता का हित जो है वो सर्वोपरि माना जाता है वो काम के। अगर कोई रूल और रेगुलेशन अगर इसमें आड़ा आधी रहा होता है तो हम जनप्रतिनिधि के तौर पर ये चाहते हैं कि जनता के हित में हम कोई कार्य करें। और जहां तक आयुक्त साहब और उनके जो बयान है, जिस तरीके से ठेकेदार को पैसा नहीं दिया जाएगा, तो ये पूरी तरह से अनुचितपूर्ण बयान मुझे लगते हैं। जब तक पूरी तरीके से विचार विमर्श नहीं किया जाए, और सभापति साहब जो है वो कहें वो कांग्रेस के सभापति नहीं, सभी के सभापति हैं, वो जो निर्णय लेंगे वो मान्य होगा। ये जो अभी निर्माण किया गया है ये नगर परिषद के ठेकेदार के द्वारा ही किया गया है या किस तरह से? ये जो कार्य चल रहे हैं पूरे वार्ड में ये कार्य चल रहे हैं और उसी में ये बीच में जो आया है और उसको हमने साथ में ये रहकर करवाया है। जनता की मांग से ये काम करवाया गया है और अगर वो कहते हैं कि इसके लिए हम पैसा नहीं देंगे तो हम यहाँ तक कहते हैं कि जनता ने हमें उनके कार्यों के लिए चुना है और जनहित हमेशा से सर्वोपरि रहा है। नियम और कानून हम लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं, तो अगर इसमें कोई परेशानी आती है और नगर परिषद ये कहती है कि इसमें अगर वो उनका ठेकेदार का पैसा रोकेंगे तो मैं ये कहती हूँ कि जो पार्षद को मुझे जो तनख्वाह मिलती है उसमें से कटौती करके और हम फंड रेज करके और ठेकेदार का जो है उससे जो पैसा है वो हम चुकाएंगे और ये कार्य जनता के लिए किया और जनता ने मुझे विश्वास करके सुना है तो ऐसे कार्य 100 बार करवाए जाएंगे और आगे भी करवाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राजसमंद के क्षेत्र है आधे से ज्यादा जो क्षेत्र आप एग्रीकल्चर में आता है, कहीं पर कन्वर्जन की जो बात की जा रही है वो सिचुएशन है। इसलिए कार्य करते हैं ऐसे ही कार्य आप कई क्षेत्रों में चले जाए चल होते आए हैं और हो रहे हैं। और मैं आपको एक नहीं अनेकों उदाहरण दे सकती हूँ कि आप आरटीओ की तरफ जाके उनकी पूरी जानकारी लेके कितने इस प्रकार के निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। इसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ निहित नहीं है। इसके लिए अगर आप आगे जानकारी लेंगे तो आरटीओ के तहत आप और जानकारी ले सकते हैं कि पूरे राजसमंद क्षेत्र में इस तरह के कितने निर्माण कार्य किए जा चुके हैं और करवाए जा रहे हैं।